चलिए, जहां बात आती है बिना कोडिंग के वेबसाइट डिजाइन करने की, तो वहां पे हमें वर्डप्रेस का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, प्रैक्टिकल करके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से बिना किसी पेड थीम या टूल के, यानी कि प्लगइन के, आप एक फ्री में वर्डप्रेस का इस्तेमाल करके और फ्री के प्लगइन का इस्तेमाल करके किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत सी वेबसाइट जो है वो बना सकते हैं, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मेरा नाम है मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल डिजिटल मंजीत। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि अगर आपको जो है ये वीडियो पसंद आए और आप जो है मेरे से वर्डप्रेस का पूरा कंप्लीट कोर्स जो है वो सीखना चाहते हैं, जो कि है वर्डप्रेस फॉर बिगिनर्स, जहां पे पूरा कंटेंट जो है हमारी ऑफिशियल वेबसाइट टीजीएम अकेडमी के ऊपर लिखा गया है, अगर आप ये सीखना चाहते हैं तो पहले 100 स्टूडेंट्स के लिए हम यहां से आज से ऑफर दे रहे हैं कि आपको जो है जस्ट 199 प्लस जीएसटी पे करके जो है आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए अभी वर्डप्रेस के ऊपर जो है किस तरीके से फ्री के टूल्स का इस्तेमाल करके वर्डप्रेस में किस तरीके से बहुत ही खूबसूरत वेबसाइट जो है वो डिजाइन करी जा सकती है, उसके लिए मुझे लेके चलना पड़ेगा आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे और लेट्स गो। चलिए अभी बढ़ते हैं हमारे मॉड्यूल नंबर 5 की तरफ में और इसमें काफी सारी चीजें हम यहाँ पे कवरअप करने वाले हैं, लाइक आपके सेक्शंस, हेडिंग्स, इमेजेस, बटन, टेक्स्ट एडिटर्स वगैरह जो है, या कॉलम्स हैं आपके, जो बॉक्स के शेडोज वगैरह हैं, होवर इफेक्ट वगैरह हैं, डुप्लीकेट कंटेंट है, इंस्पेक्ट एलिमेंट्स वगैरह, फीचर्स वगैरह, ये सब जो है हम यहाँ पे कवरअप करने वाले हैं। इमेज बॉक्स है हो गया, फिर आपके टेस्टिमोनियल सेक्शंस हो गए, कोर्स के जो आपके जो सेक्शंस बनाए जाते हैं, बॉक्सेस बनाए जाते हैं, वो किस तरीके से बनते हैं, ये काफ़ी सारी चीज़ें जो हम यहाँ पे कवरअप करने वाले हैं। तो इसलिए मैंने सभी मॉड्यूल 5 के जितने भी हैं सभी के आगे मैंने यहाँ पे डन लिख दिया, बिकॉज ये सारे के सारे हम यहाँ पर कवरअप करने वाले हैं। सो बेसिकली यहाँ पे जो है पहले अगर बात करें जो हमने लास्ट किया था तो वो हमने web.digitalmanjeet.com पे किया था, तो यहाँ पर जो है हम ये कर रहे थे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि जब कर ही रहे हैं तो digitalmanjeet.com जो है इसी के ऊपर में एक वेबसाइट भी इम्प्लीमेंट कर दी जाए और आप दोनों ही काम हो जाएंगे, आप लोग सीख भी जाएंगे और साथ ही साथ हमारी जो वेबसाइट है वो भी रेडी हो जाएगी। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन करना है वर्डप्रेस का, एक बार देख चुके हैं दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे ऐड पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपका जो भी वेबसाइट का टाइटल लिखना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल मंजीत बाय लेट्स से मंजीत सिंह, राइट, ये मैंने लिखना था वो लिख दिया। और जो भी मुझे पासवर्ड डालना है वो मैं पासवर्ड यहाँ पे डाल देता हूँ, और हमेशा स्ट्रांग पासवर्ड होना चाहिए। और यहाँ से आपने डोमेन लिखना है, तो डोमेन अभी हमारा जो है पहले जब हमने किया था तो सब डोमेन पे किया था, तो मैंने सब डोमेन सेलेक्ट किया था, लेकिन अभी जो है मैं यहाँ पे मेन डोमेन पे कर रहा हूँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेन डोमेन ही रहने दिया है। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं करने हमने, और यहाँ पे सीधा इंस्टॉलेशन पे क्लिक कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा और आपका वर्डप्रेस जो है वो आपका इंस्टॉलेशन हो जाएगा। तो यू कैन सी यहाँ पे जो है आपके पास में इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में है, और आपका जो पीएचपी जो अकॉर्डिंगली चाहिए था वो वर्जन जो है इसके अंदर अपडेट हो चुका है। अब ये जैसे ये कंप्लीट होता है फिर अपन इसमें जो है एक थीम डालेंगे, और उसके बाद जो है हमने जो भी यहाँ पे काम किया था वही काम जो है एक बार जल्दी जल्दी कर लेंगे, ताकि जो है आपने पहले तो प्रीवियस वाला तो जो है वो आपने सारा कंप्लीट कर ही लिया है। बाकी अगर यहाँ की बात करें तो यू कैन सी मेंटेनेंस मोड वगैरह हमने पहले बता दी आपको, कैसे क्या चेंजेस वगैरह करने होते हैं, SSL हमारा एक्टिव है, बाकी सब अगर कोई चीज़ें चाहिए तो आप यहाँ से इंस्टॉलेशंस वगैरह कर सकते हैं, जो कि आपके सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा दिया गया है, तो ये हमारे कोर्स का कॉन्टेंट नहीं है। सो ये आपका जो भी सर्विस प्रोवाइडर होगा तो उसके अकॉर्डिंग आपको जाना पड़ेगा, बिकॉज हर सर्विस प्रोवाइडर एक जैसे फीचर्स को आपको ऑप्शंस नहीं प्रोवाइड करता है। चलिए एक बार जो है इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, लेट्स सी। तो अभी हमारे सामने इस तरीके का दिखाई दे रहा है, और अब आगे बढ़ने के लिए इसको डिजाइन करने के लिए जो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मैं इसका wp-admin करके इसके एडमिन पैनल पे जाता हूँ, और एडमिन पैनल पे जाके जो मैं इसमें लॉग इन कर लेता हूँ, मैं लॉग इन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ पाएंगे। सो ये हमने जो है यहाँ पे इसमें लॉग इन पे क्लिक कर दिया। अब सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हम कोई नई वेबसाइट डिजाइन करते हैं तो हमारी वेबसाइट का लुक एंड फील हम कैसा देने वाले हैं, उसके लिए हमें थोड़ा, देखो इतने अच्छे एक्सपर्ट अभी नहीं है हम लोग, लेकिन जैसे जैसे आप काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट बन जाएंगे, नो डाउट ऑन दैट पार्ट, लेकिन अभी नहीं है। इस वजह से जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले कैसे डिजाइन हमें चाहिए, उसके लिए क्या तरीका होना चाहिए,
तो वो आपको मैं बताता हूँ, आपने जाना है गूगल पे और कोई बड़ी मेट्रो सिटी को पकड़े, लेट्स से हम यहाँ पे डिजिटल से रिलेटेड है तो डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड हम करने जा रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डिजिटल, डिजिटल कर देते हैं मार्केटिंग एजेंसी इन, लेट्स से मैं जोधपुर में, तो मैं जोधपुर नहीं लिख के मैं बड़े जैसे बोला, लेट्स से मैं यहाँ पे कर देता हूँ दिल्ली, राइट, तो दिल्ली कर दिया। तो यहां पर आपने ये स्पॉन्सर वालों को छोड़ देना है, आप चाहे तो इनको भी कंसीडर कर सकते हैं, बट स्पॉन्सर को इसलिए बोल रहा हूँ छोड़ देने के लिए बिकॉज ये बहुत ज्यादा ही इनके जो डिजाइन हैं वो हैवी हो सकते हैं जो अभी आप क्रिएट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे आप इस प्रैक्टिस करते जाएंगे तो डेफिनेटली आप फिर पूरा आइडिया आपको लग जाएगा कैसे क्या करना है। हालांकि ये आपको एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ यहाँ पे कि किस तरीके की कुछ वेबसाइट जो है वो आपको देखने को मिलती है। तो यू कैन सी, जैसे कि मैंने बोला कि इनके थोड़े से हाईफाई डिजाइन होते हैं, हाईफाई मतलब इतने भी हाईफाई नहीं है बट सिंपल ही है, लेकिन डिजाइन का जो एक आर्टिस्टिक जो उसको रिप्रेजेंटेशन है वो एक डिफरेंट तरीके से दिया गया है। हमें ये पसंद नहीं आया तो मैं, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो है डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ये भी एक यहाँ पे यू कैन सी ये एक अच्छा ऑप्शन है जहाँ पे आपकी सर्विसेज को डिस्प्ले करने का इमेज है, राइट, होवर करे तो वो जूम हो जाए, यहाँ पे आपका जो यू कैन सी थोड़ा सा अच्छा अलग एंड लुक एंड फील जो है आपके पास में डिफरेंट आता है। लेकिन अगर हम क्या करेंगे यहाँ पे ना जाके हम थोड़ा सा और नीचे जाते हैं, ये जो आती है गूगल के अंदर इनकी वेबसाइट्स को अपन दो तीन को ओपन कर लेते हैं बिकॉज ये काफी पॉपुलर हो सकती हैं, इनके डिजाइनिंग जो है काफी अच्छे हो सकते हैं। यू कैन सी ये डिजाइन मुझे काफी अच्छा लग रहा है, हालांकि इतना ज्यादा वो हाई फाई नहीं है बट ठीक है, सिंपल सोबर रखा हुआ है तो जो कि लोड भी फास्ट हो रहा है और काम भी अच्छा किया है। यू कैन सी यहाँ पे आपके पास में ये वर्डप्रेस पे ही बनी हुई वेबसाइट है। कैसे पता चला, तो आप ये जो है वर्डप्रेस का जो है एक इसके अंदर जो है आपको ब्राउजर एक्सटेंशन आता है वर्डप्रेस डिटेक्शन का, वो आप इंस्टॉल कर सकते हैं, तो आपको जो भी वर्डप्रेस की वेबसाइट होगी उस पर आपको जो है ये वर्ड डब्ल्यू जो है वो आपको ब्लू कलर का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे देखते हैं तो यू कैन सी ये वाली जो वेबसाइट है ये वर्डप्रेस पे नहीं बनी हुई है, यानी कि ये कोडिंग के द्वारा बनी हुई है, इसलिए आपका ये वर्डप्रेस वाला जो आइकन है यू कैन सी ग्रीन नहीं हुआ है। ये एक डिफरेंट यहाँ पे इन्होंने अप्रोच देके रखी है, काफी अच्छा डिजाइन बनाया है, लेकिन ये अभी आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छे से करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको दो चार छह वेबसाइट जो है वो देखनी पड़ेंगी, फिर आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको किस तरीके का जो है डिजाइन की रिक्वायरमेंट है, आप कैसा डिजाइन बनाना चाहते हैं, तो आप यहां से इस तरीके से जो है वो आइडिया ले सकते हैं। और इसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जब आइडिया ले लेते हैं, आइडिया मिल जाता है आपको जो है उसके बाद में मिल जाता है कॉन्टेंट मिल जाता है। जैसे कि अभी यहाँ पे अपन एक बार ये वेबसाइट को दोबारा ओपन करते हैं, यू कैन सी यहाँ पे बहुत सारा कॉन्टेंट जो है इन्होंने डाल के रखा हुआ है, तो आपको एक कॉन्टेंट का आइडिया जो है वहाँ पे क्या क्या लिखना चाहिए, किस तरीके से लिखना चाहिए, या इनकी जो एक एक सर्विस पेज पे जाके देखते हैं इन्होंने क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से आपको कॉन्टेंट का बड़ा आइडिया लग जाएगा। तो ये वेबसाइट मुझे कंटेंट के हिसाब से काफ़ी अच्छी लगी, थोड़ा सा आपको कंटेंट को स्पिन करना पड़ेगा अदरवाइज जो है आपका एसईओ के अंदर जो है परेशानी होगी, तो इसलिए आपको कंटेंट जो है वो यहाँ से एक बहुत अच्छा आइडिया जो है लिख जाएगा, आपको खुद अपने अकॉर्डिंग जो है कंटेंट को थोड़ा सा स्पिन करके लिख लेना है। हालांकि कैसे लिखा जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप बहुत आसानी से कंटेंट जो है वो जनरेट कर सकते हैं। तो इस वेबसाइट को भी आप चाहे तो बाद में कर सकते हैं, लेकिन अभी के लिए मैं इसको बंद कर देता हूं बिकॉज मुझे जो कंटेंट चाहिए था वो मैंने क्या करके रखा, यू कैन सी यहाँ पे मेरे पास में वेबसाइट कंटेंट है लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इस पे चलते हैं और यहाँ पे जाने के बाद ये कंटेंट का एक पेज है मैंने, और इसके अंदर मुझे होम पेज के ऊपर में क्या क्या लिखना है वो मैंने यहाँ पे कुछ डाल के रखा हुआ कंटेंट, राइट, तो इतना कंटेंट मुझे यहाँ पे चाहिए था, मैंने वो कंटेंट यहाँ पे लिखा हुआ है, और उसके बाद जो है कलर थीम क्या रखनी है, तो यू कैन सी बीजी कलर या अदर बैनर के जो कलर सेक्शंस हैं वो मैंने कुछ यहाँ पे आइडिया लगा के रखे हुए हैं। कुछ लोगो इंपॉर्टेंट होते हैं, मैं लोगो थोड़े से बड़े करके दिखाता हूँ। यू कैन सी आपको जेपीजी और पीएनजी दोनों के अंदर लोगो जो है वो डिजाइन करने हैं, और लोगो मैंने बहुत ही सिंपल बनाए हैं, और ये लोगो कैसे डिजाइन किया गया है हमारे जो ग्राफिक डिजाइनिंग टीम है, तो उसने जो है ये ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड कर दी है, तो आप जो है उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।
लोगो डिजाइनिंग के सेक्शन के अंदर मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। सो बेसिकली यहाँ पे आप देखेंगे हाउ टू डिजाइन लोगो, जो कि मॉडल नंबर 8 के अंदर जो है आपको 24 नंबर वीडियो के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम यहाँ पे शूट कर रहे हैं, ऑलरेडी ये आपकी डन हो चुकी है, तो मैं यहाँ पे भी डन कर देता हूँ क्योंकि ये शूट हो चुकी है, एडिट हो चुकी है, अभी बस उसको पब्लिश करना है। तो एडिट भी हो चुकी है तो मैं इसको भी डन कर देता हूँ और उसके बाद पब्लिश भी कर देंगे, ठीक है। तो आप जो है उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, बिकॉज आप जब देखेंगे तो आपको ये सारा कंटेंट अपलोडेड मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से स्क्वायर में भी लेने बनाने पड़ेंगे और इस तरीके से जो है जो लंबे में है वो भी बनाने पड़ेंगे। तो यू कैन सी आपके पास में व्हाइट के अंदर ये काफी अच्छा जो है कलर लग रहा है, तो मुझे ये दो कलर चाहिए थे, मैंने यही कलर जो है इस्तेमाल किए हैं और यही थीम जो है मैं अपनी वेबसाइट के अंदर इस्तेमाल करने वाला हूं। तो ये कर दिया, इससे साथ साथ कुछ इमेजेस आप डाउनलोड करके रख सकते हैं जो आपको चाहिए, तो उस हिसाब से आप यहाँ पे इमेजेस ले सकते हैं, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं, लेट्स से वेबसाइट डिजाइनिंग की तरफ में। तो अभी हमें सबसे पहले क्या करना है, अपीयरेंस पे जाना है, थीम पे जाना है, और मैं यहाँ पे एस्ट्रा थीम का इस्तेमाल करूंगा। जो नहीं चाहिए वो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, यू कैन सी, जैसे पहले भी हम कर चुके हैं एक बार, तो अभी थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ऑलरेडी आ चुका है, मालूम है कि किस तरीके से ये काम किया जाता है। तो यहाँ पे हमने जाना है पॉपुलर के अंदर, पॉपुलर के अंदर आपको मिल जाएगी इस तरह थीम, सीधा इसको इंस्टॉल करते हैं। तो बस इसी थीम के साथ में हमने जो है काम करना है। तो एक बार ये इंस्टॉलेशन हो जाए फिर अपन इसको एक्टिवेट करेंगे, और इसके बाद एक और प्लगइन की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम कहते हैं एलिमेंटर। तो ये आपका इंस्टॉलेशन हो गया, इसको कर देते हैं एक्टिवेट, ये हो गई एक्टिवेट। इसके बाद चलते हैं सीधा प्लगइन्स के अंदर, एड न्यू प्लगइन्स पे चलते हैं, और प्लगइन्स पे जाके हम यहां पे लिखते हैं एलिमेंटर और इसको सर्च कर लेते हैं, और जैसे ही हमारे सामने आता है तो इसको भी इंस्टॉलेशन कर लेंगे। यह है हमारा बाय एलिमेंटर है, तो ये इंस्टॉल करना है हमने, फ्री वाला है, लेकिन आप पेड वाले प्रो वाले पे भी जाना चाहते हैं प्रो वाले पे भी जा सकते हैं। अब कैसे अपग्रेड करना है प्रो वाले पे तो वो डेफिनेटली हम आगे कवरअप करेंगे, लेकिन मैं आपको जो है यहाँ पे, क्योंकि हम बिगिनर्स वाले में हैं, एडवांस वाले में नहीं है, तो मैं आपको प्रो नहीं फ्री वाले का इस्तेमाल करके किस तरह से ब्यूटीफाइड आपकी जो है वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वो मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला। ये एक्टिवेट हो गया, अब चलते हैं सीधा सेटिंग के अंदर। सेटिंग में जाके हमने डेट एंड टाइम वगैरह चेक करना, चेंज करना है, तो जनरल सेटिंग पे चलते हैं और यहाँ से जो है हम अपने जो वेबसाइट से रिलेटेड जो जर्नल चीजें हैं वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। मुझे कोई चेंजेस नहीं करने हैं इसमें, बस मुझे यहाँ पे टाइम जोन जो है वो चेंज करना है, जो कि रहेगा एशिया के अंदर कोलकाता, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, अटलांटा, लेट मी गो एशिया, एंड यहाँ पे हम जाएंगे कोलकाता के अंदर। ये कर दिया, बाकी सब सही है, मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। रीडिंग के अंदर जाने से पहले जो है पहले हम चलते हैं पेजेस पे, ऑल पेजेस पे क्लिक करेंगे, ऑल पेजेस में जाके ये जो है इसको मैं थ्रैश में डाल देता हूँ, और यहाँ पे नए पेजेस हम क्रिएट करेंगे। ऐड न्यू पेज पे जाते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या क्या पेज ऐड करने वाला हूँ मैं मेरी वेबसाइट पे, तो उसके लिए जो है मैं यहाँ पे नोट पैड ही जो है उसी को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, यहाँ पे कॉन्टेंट वाले में, थीम वाले में चलते हैं, और यहीं पर जाके जो है मैं, या फिर एक काम करते हैं, जो हमारा कॉन्टेंट वाला सेक्शन है उसी में सबसे टॉप पे हम जो है मेन्यू के क्या क्या मेन्यू रहेगा, तो यहाँ पे मेन मेन्यू, और मेन मेन्यू के अंदर क्या क्या रहने वाला है वो अपन यहाँ पे लिख देते हैं। पहला एक तो होम पेज चाहिए होगा, दूसरा हमें चाहिए यहाँ पे सर्विसेज, तीसरा हमें चाहिए होगा अबाउट अस, फिर चाहिए हमें यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस, राइट, और इसके बाद अगर आपको कोई पोर्टफोलियो वगैरह चाहिए या जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, राइट। मेरे को इतना चाहिए तो मैं यहाँ पे इसी को रखूंगा, इसी के अकॉर्डिंग जो है मैं यहाँ पे इसको सेव भी कर लेता हूँ, और जो भी अपडेट होंगे इसी के हम अंदर अपडेट करते रहेंगे। तो हम पहले करेंगे यहाँ पे होम पेज, और इसमें चलते हैं एस्ट्रा थीम के अंदर, और यहाँ पे जाके मुझे इसको फुल स्क्रीन पे लेना है, फुल बिट पे लेना है, और यहाँ पे जाके इसको पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं। ये हमारा होम पेज हो गया, जब बाकी के पेजेस जैसे हम बनाएंगे वैसे हम आगे बढ़ेंगे। अब हम बढ़ते हैं आगे, वापस चलते हैं सेटिंग के अंदर ताकि होम पेज जो है हमें देखने को मिल जाए। यहाँ पे जाएंगे रीडिंग के अंदर, स्टैटिक पेज पे जाएंगे, और होम पेज हमने एक ही बनाया है उसी पे जाके इसको सेव चेंजेस पे क्लिक कर देते हैं। अब जो है हम एक बार जो है अपनी वेबसाइट को ओपन करते हैं, विच इज डिजिटल मंजीत
एंड यू कैन सी होम आपका व्यू है और ये भी आपका दिख रहा है, तो ठीक है, परफेक्ट है ये हमारे लिए। तो ये हमें चाहिए था, वो हमने यहाँ पे डिजाइन कर दिया। अब हम इसके ऊपर में जो है काम करेंगे। सो बेसिकली यहाँ पे जो नाम है, ये जो लोगो का लोगो वगैरह है, ये हम आगे चेंजेस वगैरह करेंगे, लेकिन पहले जो बाकी का पेज है वो किस तरह से डिजाइन करना है। तो डिजाइनिंग जो है आप बिल्कुल स्क्रैच से भी कर सकते हैं, आप चाहें तो इसका होम जो आपका मेन मेन्यू है इसको भी आप डिसेबल या एनेबल अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, लेकिन इसको मैं रखने वाला हूं। आप चाहें तो इसको भी यहां से एडिट पेज पे क्लिक करके, राइट, एडिट पेज पे क्लिक करके जो है आप इसको एडिट कर सकते हैं। यहां पे आप आ जाएंगे एडिट विद एलिमेंटर, हम एलिमेंटर के साथ में काम करने जा रहे हैं, तो इस पे चलते हैं। ओके, सो यहां पे आ गए हम एलिमेंटर के अंदर। तो ये हमारा अभी पेज है बिल्कुल फ्रेश, जिसमें कुछ भी हमने अभी तक कॉन्फिगर वगैरह नहीं किया हुआ है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे ये आपके कुछ एलिमेंट्स हैं इसके, जहाँ लेआउट से रिलेटेड है, बेसिक से रिलेटेड है। ये प्रो वाले जो हैं यू कैन सी ये आपको प्रो में मिलेंगे, यानी कि इनका इस्तेमाल जो है वो आप अभी नहीं कर पाएंगे, लेकिन डोंट वरी, ऐसे कई सारी चीजें हम करने वाले हैं तो वो हम फ्री वाले में भी कर सकते हैं। ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है कि आपको पेड वाले पे ही सारी चीजें मिलती हैं, फ्री वाले के साथ में थोड़ा सा ब्रेन का इस्तेमाल करके इसका किया जा सकता है। यू कैन सी जर्नल के अंदर भी काफी सारी ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं, चाहे काउंटर से रिलेटेड है, राइट। तो ये आपके नीचे फिर प्रो वर्जन वाले आ गए, तो आप यहां से चेकआउट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आपके यहाँ पे जो है ग्लोबल्स हो जाते हैं, तो ये भी आपके यू कैन सी प्रो वाले में मिलेंगे, लेकिन अभी जो है हम यहाँ पे चलते हैं। पहले तो यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करेंगे, तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक सेक्शन क्रिएट करना है। तो मैं सेक्शन पे एड पे क्लिक करता हूं। यहां पे दो होते हैं, एक ग्रिड होता है और एक होता है फ्लैक्स बॉक्स। मैं फ्लैक्स बॉक्स का इस्तेमाल करूंगा, और जो मेन यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पे ओपन कर लेता हूं डिजिटल मंजीत को। यहां पर जो चाहता हूं मैं, वो चाहता हूं दो सेक्शन हो, राइट, दो सेक्शन चाहिए मुझे। तो मैं दो सेक्शन के लिए यहां पे ये दो सेक्शन यू कैन सी यहां पे देता हूं, और ये देने के बाद जो है अगर मैं इसको नॉट नाउ पे कर देते हैं, और इसको जो है यहां से आप ये नीचे साइड में अपडेट का क्लिक कर सकते हैं। जब आप अपडेट करेंगे यू कैन सी अभी तो कुछ नहीं दिखाई देगा, लेकिन होम जो है वो आपका हट गया, और साथ ही साथ आपका यहाँ पे क्योंकि एलिमेंटर का यहाँ पर जो है ऐड हुआ है, यानी कि उसके साथ में इसको जो है हमने एडिट करना स्टार्ट किया, तो यू कैन सी यहाँ पे लिख किया गया एडिट विद एलिमेंटर। अब हम यहाँ पे सेक्शन बनाते हैं, राइट, होम हट चुका है यहाँ पे। अब हम चलते हैं वापस से यहाँ पे, और पहले वाले में मैं कुछ टेक्स्ट लिखना चाहता हूं, लाइक पहले तो एक काम करते हैं, इसका पूरा जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड कलर ये व्हाइट है, तो थोड़ा सा ऑफ व्हाइट मैं इसको रखना चाहता हूं। तो आई थिंक यहां पे बीजी कलर मैंने ये डिफाइन किया हुआ है, तो मैं इसको ले लेता हूं। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग जो है कलर्स को डिसाइड कर सकते हैं। तो अगर मेरे को इसका बैकग्राउंड कलर देना है, तो यू कैन सी यहां पे ये ऑप्शन है फ्लेक्स के ऊपर में, यहां पे मैं इस पे एडिट कंटेनर पे क्लिक करता हूं, और जैसे एडिट पे कंटेनर पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे लेआउट से रिलेटेड आपके ऑप्शंस आ जाते हैं, जो जिसमें मुझे अभी कोई चेंजेस नहीं करने हैं। और उसके बाद में आपका स्टाइल आ जाता है, फिर एडवांस आ जाता है, एडवांस में भी अपन इसमें सेटिंग करेंगे, लेकिन अभी स्टाइल पे चलते हैं। और यहाँ पे बैकग्राउंड जो है वो ओवरली है या बैकग्राउंड टाइप क्या है, हमें सिर्फ एक सिंगल कलर लेना है, तो मैं यहाँ पे एक सिंगल कलर पे जाता हूँ, और यहाँ पे कलर पे जाके इसको जो है मैं यहाँ पर चेंजेस कर देता हूं, बहुत लाइट एक ग्रे काइंड ऑफ कलर जो है यू कैन सी यहां पे मैं इसमें डाल के इसको अपडेट कर देता हूं। अभी अगर मैं यहां पे रिफ्रेश करके दिखाऊं, तो यू कैन सी एक पूरा एंड टू एंड जो है एक लाइट ग्रे कलर जो है वो मेन्यू बार से हटकर हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हो गया हमारा। अब इसके बाद जो है हमने क्या करना है, वापस चलते हैं, यहां पर हमने कुछ टेक्स्ट लिखना है। तो टेक्स्ट मैंने ऑलरेडी यहां पे लिखा हुआ है, यू कैन सी Grow your business with, मैं ये कॉपी कर लेता हूं, और यहां पे मैं लेता हूं टेक्स्ट। तो टेक्स्ट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, वापस ये जो आपके डॉट्स बनी हुआ इस पर क्लिक करूंगा, यहां पर ये हेडिंग चाहिए मुझे, हेडिंग के हिसाब से मैं ये एक टेक्स्ट लिखा, और यहां पर आने के बाद मैंने ये लिख दिया। उसके बाद में मैं अभी कोई चेंजेस नहीं कर रहा, वापस यहां पर ले रहा हूं, एक और नीचे इसके टेक्स्ट लिखना है, और मैं इसके नीचे एक और टेक्स्ट ऐड करता हूं, और उसमें मुझे लिखना है यहां पर डिजिटल मार्केटिंग, और तो मैं यहां पे लेता हूं डिजिटल मार्केटिंग। फिर मुझे क्या करना है, और एक टेक्स्ट लिखना है, तो मैं यहां पे एक और टेक्स्ट लिख लेता हूं, ये मुझे उस टेक्स्ट के अंदर लिखना है, तो मैं ये कॉपी करता हूं यहां से, और यहां पे आके मैं पेस्ट कर देता हूं, राइट।
और उसके बाद जो है लेट्स से मुझे इसके नीचे बटन्स बनाने हैं, तो बटन्स वगैरह को अपन बाद में सेट करते हैं, अभी के लिए इतना जो है अपन इसको सेट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है मुझे इसमें कलर्स वगैरह और सबका जो सेटिंग्स वगैरह है अभी कैसा दिख रहा है एक बार मैं अपडेट करता हूँ और यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको। ये कुछ इस तरीके का जो है आपको अभी देखने को मिला, और साइड में इस तरफ में जो है मैं एक इमेज कोई भी इस्तेमाल करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ वापस चलता हूँ इस पे और यहाँ पे मैं इमेज टैग इमेज ले लेता हूँ। तो इमेज ये रही और इसको मैं यहाँ पे सेट करता हूँ और यहाँ से जाके मैं चेंज इमेज पे क्लिक करता हूँ। मुझे अपलोड करना है तो मैं यहाँ पे मीडिया लाइब्रेरी में अगर अवेलेबल है तो यहाँ से कर सकते हो, लेकिन नहीं है मुझे अपलोड करना, मैं सेलेक्ट पे क्लिक करता हूँ और जाता हूँ डायरेक्टली वहीं पे जहाँ पे मैंने जो है पूरा का पूरा इसमें कंटेंट जो है वो सेव कर रखा है। तो लेट्स से मुझे यहाँ पर चाहिए है एक इमेज, लेट्स से ये वाली इमेज ले लेते हैं, ऐसी कुछ इमेज ले लेता हूँ। यहाँ पे एसईओ से रिलेटेड आपको लिखना होता है, तो अभी के लिए मैं कुछ नहीं कर रहा एसईओ से रिलेटेड, हम इसको अपडेट कर देते हैं एंड इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद ये कैसा दिखता है, यू कैन सी ये हमें यहाँ पे इस तरीके का कुछ देखने को मिल रहा है, राइट। सो अब यहाँ पर जो है अभी टेम्पररी में ये लगाया है, इसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ और मेरा जो डिजाइनर है उसको मैंने दिया हुआ है और काम करने के लिए वो मेरी फोटो के साथ में कुछ यहाँ पे और डिजाइन करके जो है मुझे देने वाला है, तो वो मैं यहाँ पे रिप्लेस कर दूंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पे यही इमेज रखना चाहता हूँ, ठीक है। अभी यहाँ पे यू कैन सी ये थोड़ा सा ना ये पास पास में हो गए हैं, पहले तो ये जो टेक्स्ट है इसको छोटा करते हैं बिकॉज ये टेक्स्ट मुझे ऐसा नहीं चाहिए। मैंने क्या करना है, ये टेक्स्ट पे क्लिक कर दो कहीं पे भी, या फिर ये पेंसिल का आइकन आता है इस पे क्लिक कर दो। यहाँ पे जो इसका जो टैग है वो आपका कैसा होना चाहिए वो आपको यहाँ पे H1 H2 H3 जैसा आप चाहते हैं वैसा कर सकते हैं। यहाँ पे आपका स्टाइल आता है, यहाँ पे आपका टेक्स्ट का कलर क्या रहना चाहिए, तो कलर जो है वो मुझे ब्लैक चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ ब्लैक कलर, और 1 2 3 4 5 6 ये मैंने डार्क ब्लैक कलर कर दिया। आप चाहें तो थोड़ा सा लाइट करना तो यू कैन से आप लाइट कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए वैसा आप लाइट वगैरह कलर का कॉम्बिनेशन यहां से रख सकते हो। अब इसका जो टाइपोग्राफी क्या होनी चाहिए, तो यहां पर आपके पास में फॉन्ट जो है फॉन्ट क्या था एक बार मैं पता कर लेता हूं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। SORA ये हमारा जो टीम है उसने मुझे बताया ये वाला फॉन्ट जो है इसमें इस्तेमाल कीजिए, काफी अच्छा लगेगा, जो कि है सोरा फॉन्ट। इसको मैंने किया तो यू कैन सी ये काफी अच्छा लग रहा है। आपको नहीं अच्छा लगे तो आप यहां से कोई भी फॉन्ट का फैमिली के आगे जाके आप इसको चेंज कर सकते हैं। अब ये तो मैंने फॉन्ट तो चेंज कर दिया लेकिन इसका जो साइज है वो मुझे पसंद नहीं आया, तो यू कैन सी सबसे पहले तो उसका वेट यानी कि कितना बोल्ड रहेगा, तो मुझे बोल्ड नहीं करना है इसको। लेट्स से इसको जो है मैं थिन ही रखना चाहता हूँ, तो थिन बहुत ज्यादा कम हो रहा है, थोड़ा सा लाइट 300 पे कर देता हूँ, ये ज्यादा अच्छा लगेगा। और इसको जो साइज है वो मैं अपने अकॉर्डिंग जो है वो मैं सेट कर सकता हूँ लाइक दिस, राइट। तो इसको मैं बाद में भी एडजस्ट कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं इतना करता हूँ सेटिंग। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे सेटिंग होती चली जाएगी। ये हमने इसको अपडेट कर दिया, एक बार आप देखते हैं कैसा लग रहा है, एंड यू कैन सी ये हमें इस तरीके से जो है देखने को मिल रहा है। अब बचा आपका यहाँ पे ग्रो योर बिजनेस विद डिजिटल मार्केटिंग, तो यहाँ पर इसके साथ में काम करते हैं। तो इसका जो है टेक्स्ट का मैं पहले तो कलर चेंज करता हूँ बिकॉज आई नीड द ब्लैक कलर, मुझे ये ब्लैक कलर चाहिए तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 2 3 4 5 6 बार कर दो या 3 बार 0 लिख दो एक ही बात है। ये हमें कलर चाहिए ब्लैक चाहिए था। अब इसका जो टाइपोग्राफी है वो डेफिनेटली मुझे एक SORA करना है, मुझे यही लेना है तो ये मैंने ले लिया। आप चाहें तो इसको और विड्थ वगैरह जो है इंक्रीज करनी है लाइक तो आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, राइट। तो ये सब आप अपने अकॉर्डिंग लाइन का हाइट वगैरह ये लेटर स्पेसिंग वगैरह यू कैन सी लेटर स्पेसिंग भी आप चेंज कर सकते हैं, ये देख सकते हैं राइट। यहाँ से लेटर स्पेसिंग वगैरह जो है आप अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर सकते हैं। वर्ड की स्पेसिंग चाहिए तो यू कैन गो विद द वर्ड स्पेसिंग, अगर लेटर स्पेसिंग नहीं करनी वर्ड स्पेसिंग करनी वर्ड स्पेसिंग पे जाए, पर मेरे को लग रहा है कि ये डिफॉल्ट वाला जो है वो ज्यादा सही रहा है। अगर आपको कुछ डेकोरेशन करनी है तो यू कैन गो विद द डेकोरेशन, यहाँ से अंडरलाइन करना है ऑनलाइन ओवरलाइन करना है राइट, यहाँ से आप कुछ कर सकते हैं।
स्टाइल में जाके आप यहाँ पे नॉर्मल है, इटैलिक है, राइट, वो आप कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्म में जाके अपर केस, लोअर केस, मुझे इसको अपर केस में करना है, तो यू कैन सी अपर केस में कन्वर्ट हो गया, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है अपर केस में, राइट। तो अब मैं इसका जो लाइन लेटर स्पेसिंग है वो थोड़ा कम कर सकता हूँ, एंड वर्ड की जो स्पेसिंग है वो इंक्रीज कर सकता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा लगे। ये कर दिया। अब इसी तरीके से जो है मैं यहाँ पे चलता हूँ। अब देखो यहाँ पे क्या है ना, अभी मैं इसको भी वही सारी चीजें करना चाहता हूँ जो ऊपर वाले को मैंने किया हुआ है। अब ऊपर वाले को जो भी आपने किया है वही सेम चीज आप इसको भी करना चाहते हैं, सो आप क्या करते हैं, यहाँ पर राइट क्लिक करें, और यहां पर करने के बाद यहां पर आपके पास में ऑप्शन होता है कॉपी करने का, राइट। हम यहां से कॉपी करेंगे इसको। कॉपी करने के बाद मेक श्योर करें कि जिसको आप कर रहे हैं वही कॉपी हो, राइट। तो ये आपने कॉपी कर लिया यहां से, और जिसको जाके आपने पेस्ट करना उस पर जाके आप यहां पे पेस्ट कर देंगे, तो एज इट इज पूरा कंटेंट ये पेस्ट कर देगा, बस मुझे उसका स्टाइल पेस्ट करना है। तो यू कैन सी यहां पे क्या ऑप्शन है, पेस्ट स्टाइल, तो मैं सिर्फ पेस्ट स्टाइल पे क्लिक करता हूं, एंड यू कैन सी कोई भी मुझे काम नहीं करना पड़ा, जो मैंने ऊपर वाले को सेटिंग किया था वही एग्जैक्ट सेटिंग जो है इसके ऊपर में एप्लीकेबल हो गई। अब जो है हम इसको एक बार अपडेट करते हैं, अब चल के जो है इसको एक बार यहां पे रिफ्रेश करके देखते हैं कि अब कैसी लग रही है। वाओ, अच्छा लगने लग गया। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसमें चेंजेस करेंगे। मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो मेरा लोगो का कलर है वो लोगो का कलर का कोड जो है मैं एक बार ले लेता हूं, फिर मैं आगे बताता हूं आपको। मैं लोगो का जो कलर है वो यहां पे डालना चाहता हूं, राइट, येलो वाला। तो लोगो का कलर जो है वो येलो का, उसका जो कोड है वो मुझे चाहिए होगा, तो लेट मी गो विद दिस। तो मुझे क्या करना है, डिजिटल पे काम करना, मुझे डिजिटल को चेंज करना है। तो इसका देखो, यहां पे अगर आप कलर चेंज करोगे तो आपको यहीं से एक सिंगल कलर चेंज करने को मिलेगा, लेकिन अगर आपको जो है किसी पर्टिकुलर वर्ड को चेंज करना है तो उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली उसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी कोडिंग आपको आनी चाहिए, हल्की फुल्की, ज्यादा नहीं। तो चलिए हम यहां पे क्या लिख करेंगे, हम यहां पे थोड़ी सी हल्की फुल्की कोडिंग करेंगे, लिखेंगे स्पैन स्पेस, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे स्टाइल और इक्वल्स टू, फिर ब्रैकेट डालेंगे दो बार और इसको वापस बंद करेंगे, राइट। और जो भी वर्ड आपको करना है उस पे जाके फिर वापस इसको बंद करेंगे। तो मैं यहाँ पे स्पैन को क्लोज भी कर देता हूं, और यहां पे आने के बाद मैं लिखूंगा कलर इक्वल्स टू सॉरी कोलन, और उसके बाद जो भी कलर है, कलर कोड है मेरे पास में, एक बार कलर कोड बता दें प्लीज। यहां पे हमने लगाना है हैश एफ सी बी सेवन वन सिक्स, एंड यू कैन सी हमारा जो कलर है इसका वो चेंज हो गया, सिर्फ एक वर्ड का कलर। यू कैन सी बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं लिया, आप ऐसा चेंज करना आप गूगल पे सर्च करके भी कर सकते हैं, पर ये कर दिया मैंने। इसको अपडेट कर देते हैं, स्पैन करके हमने अपडेट कर दिया। अब इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं, तो यू कैन सी आप चाहें तो इसको बैकग्राउंड कलर, जैसे अभी ये देखो ब्लू कलर कैसा लग रहा है, आप चाहें तो बैकग्राउंड कलर में भी ऐसा कोई सेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, आप चाहें तो सिर्फ आपका जो टेक्स्ट का कलर है उसी को करना चाहते हैं आप उसको भी कर सकते हैं, राइट। तो ये मुझे करना था, वो मैंने यहां पे सेट कर दिया। अब मैं क्या चाहता हूं, इसके ऊपर साइड पे थोड़ा सा स्पेस चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा वो ऐसा हो गया, तो मैं थोड़ा ऊपर स्पेस लेना चाहता हूं। तो स्पेस कैसे आएगा, तो चलो अभी स्पेस देख लेते हैं। सो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर ये जो है, अभी देखो यहां पर ये वाला एक ऑप्शन आ गया, तो इसको मैं सेलेक्ट करता हूं। ये क्या है आपका फ्लेक्स बॉक्स, राइट, आप इसको भी सेट कर सकते हैं, या फिर जो आपका टॉप वाला जो है इसको भी आप सेट कर सकते हैं, बट मैं ये जो बॉक्स है इसको ले लेता हूं, ताकि थोड़ा सा हम जाएंगे एडवांस सेक्शन के अंदर। इसके एडवांस में मार्जिन और पैडिंग, मार्जिन बाहर होती है, पैडिंग इनसाइड में होती है, तो मैं यहां पे पैडिंग डिफाइन करूंगा। तो यू कैन सी अगर मैं पैडिंग इंक्रीज करता हूं तो ये मेरा पूरा कॉन्टेंट जो है वो नीचे सेंटर की तरफ में बढ़ते जा रहा है, ये देख सकते, लेकिन मुझे ऐसा पूरा का पूरा कंटेंट जो है वो ऐसा नहीं करना है। मैं कैसा चाहता हूं, मैं इसको पहले हटा देता हूं, ये जो एक लिंक है इसको मैं हटा देता हूं, मुझे यहां पे टॉप पे चाहिए, तो टॉप पे जाके मैं सिर्फ इंक्रीज करता हूं, कितना चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप यहां पे सेट कर लो, लेट्स से 65 चाहिए मुझे, राइट। और इसके बाद जो है मैं ये वाला जो, अभी देखो यहां पर ये जो टेक्स्ट है इससे कोई स्पेसिंग चाहिए क्या, तो आप इसके साथ में स्पेसिंग इस तरफ से
देना चाहें तो दे सकते हैं। तो ये कौन सा साइड है आपका? राइट साइड। तो राइट साइड पे थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देते हैं। ये देख सकते हैं टेक्स्ट नीचे आने लग गया, राइट। मुझे इतना ही चाहिए, मुझे इतना मैंने सेट कर दिया। सिमिलर चीज जो है मैं यहां पर ये जो मेरा है इस इमेज के लिए करूंगा। इमेज के लिए जो है मैं इसको हटाता हूं और इसमें लेफ्ट हैंड साइड पे मैं थोड़ा सा स्पेस बढ़ा देता हूं ताकि इन दोनों इमेजेस के बीच में थोड़ा सा डिस्टेंस आ जाए। टॉप पे भी हल्का सा कर देते हैं 15 का और बॉटम में भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं 15 को, इधर भी सेट कर देते हैं लाइक दिस, राइट। अब हम इसको अपडेट करते हैं। अपडेट करने के बाद अगर देखें तो लेट्स सी, अब थोड़ा सा और अच्छी जो है हमारी वेबसाइट लगने लगे। बट यू कैन सी इन दोनों कलर, इन दोनों टेक्स्ट के बीच में ज्यादा गैप आ रहा है जो कि नहीं अच्छा नहीं लग रहा, तो हम इसको कम करेंगे। तो मैं क्या करूंगा, या तो ऊपर वाले को नीचे कर दूंगा या नीचे वाले को मैं एडवांस में जाऊंगा। एडवांस में जाके इसमें जो है मेरी जो मार्जिन है इसको मैं हटाता हूं और मार्जिन को मैं टॉप पे माइनस में लेके जाऊंगा, ये देख सकते हैं। और आई थिंक इतना अच्छा लग रहा है और इसको अपडेट करते हैं लेट्स से। और अब अगर हम देखें तो यू कैन सी अब ज्यादा अच्छा लगने लग गया। अब इसके बाद जो है हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ दो बटन चाहिए मुझे क्योंकि दो बटन का टेक्स्ट लिखा हुआ, यू कैन सी एक गेट कोट और दूसरा है कॉन्टेक्ट अस, तो दो बटन चाहिए। तो दोनों बटन अपन यहां पे बना लेते हैं। तो बटन बनाने के लिए वापस अपन यहां पे चलते हैं और यहां पे जाके आप सर्च करते हैं। देखो नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आप यहां पे लिखो बटन और यहां पे सर्च होकर के ये रहा बटन। तो ये हमने यहां पे इसके नीचे लगाना था, ये लगा दिया। अब यहां पर जो बटन है हमारा वो आ चुका है। अब इसको जो है हम क्या करना चाहते हैं, यहां पे अपने अकॉर्डिंग लिंक देना चाहते हैं तो लिंक हम यहां पे डालेंगे। तो लिंक अभी नहीं डालेंगे, इसको हम बाद में डालेंगे, राइट। कैसा क्या चाहिए है और उसके बाद जो है आपका टेक्स्ट क्या रहने वाला है यहां पे, तो आप यहां पे टेक्स्ट वगैरह लिख सकते हैं। लेकिन मुझे यहां पे क्या करना है, दो बटन डालने हैं। अब दो बटन डालने तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां पे ग्रिड सिस्टम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो मैं इसको जरा पहले क्या कर देता हूं, डिलीट कर देता हूं, ये मैंने डिलीट कर दिया। ये रहा ग्रिड का सिस्टम, मैं ग्रिड कर देता हूं। अब यहां पे बहुत सारे ग्रिड आ गए, आपको कितने चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग जो है यहां पे डिसाइड कर सकते हैं कि आपके ग्रिडिंग सिस्टम के लिए कितने ग्रिड की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पे यू कैन सी कॉलम कितने हैं, तीन चाहिए तो तीन आ गए हैं, तो मुझे तीन नहीं मुझे सिर्फ दो चाहिए, तो ये दो आ गए। और ऐसे रोज कितने चाहिए, रोज मुझे सिर्फ एक ही चाहिए ताकि मेरे दो बटन आ सके। तो ये मैंने यहां पे सेट कर दिया, ये ग्रेडिंग सिस्टम हो गया। अब इसके अंदर जो है मैं बटन सेट करूंगा, राइट। तो अब मैं यहां पे बटन सर्च करता हूं और बटन सेट करके एक बटन यहां कर दिया और फिर एक बटन जो है मुझे और चाहिए तो मैं वापस यहां पे सर्च करूंगा और दूसरा बटन जो है मैं यहां पे सेट कर दूंगा। यू कैन सी दोनों बटन आसानी से मैंने यहां पे अपडेट करके देखते हैं, लेट्स सी कैसे दिखते हैं। और अभी यहां पे हमने उसको कुछ भी चेंजेस, आहा परफेक्ट, हमें जैसा चाहिए था वैसा हमें बटन जो है वो दो मिल चुके हैं। अब हमने क्या करना है, इन पे जो अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइजेशन वगैरह करनी है। तो सबसे पहले इस पे क्या करेंगे, हमने लिखना है गेट कोट, गेट कोट ही चाहिए। एक बार चेक कर लेते हैं, इसी को कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से ओके सॉरी, इसी को हम कॉपी करके वापस आते हैं यहां पे और इसको लिख देते हैं गेट कोट, राइट। अब इसका जो स्टाइल वगैरह कैसा क्या चाहिए वो वापस आप यहां से सेट कर सकते हैं। टाइपोग्राफी तो हमने ऑलरेडी 16 फॉन्ट यूज कर रहे, तो हम यही कर लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो वही चीज हो गई हमारी। अब इसमें जो आपका टेक्स्ट है वो ऐसा ही चाहिए या आपको जो है इसका ट्रांसफॉर्म अपर केस में चाहिए तो अपर केस में कर लो, राइट। और कोई स्टाइल में चेंजेस चाहिए तो आप चेंजेस कर सकते हो, राइट। अब मुझे इसका जो अलाइनमेंट है वो सेंटर करना है, तो अलाइनमेंट सेंटर करना है तो ये कर दिया, क्योंकि अभी यहां पे ना ये थोड़ा सा इधर लग रहा है, तो आपको चाहिए तो इधर रखो, आपको सेंटर करना तो आप सेंटर भी कर सकते हो। लेकिन ये पहला वाला जो है आई थिंक इधर ही रखते हैं अपन, तो ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। तो ये हमने कर दिया यहां पे और इसको एक बार अपडेट कर देते हैं और उसके बाद जो है एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं। तो यू कैन सी गेट कोट का लिख के आ गया। अब ये आ गया आपका क्लिक हेयर का, तो उसमें दूसरा टेक्स्ट डालना है हमने जो कि है कॉन्टेक्ट अस। तो वापस चलते हैं यहां पे और इसको एडिट करते हैं, कॉन्टेक्ट अस कर देते हैं, स्टाइल में चलते हैं और इसका जो टाइपोग्राफी है उसमें चलते हैं और यहां पे जाके 16 फॉन्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो है हमने इसको
अपर केस में अपडेट कर देना है। अभी हो गया, अभी हमने बटन्स का जो बैकग्राउंड कलर वगैरह वो चेंज करना, मुझे ये जो कलर है इसको मुझे ब्लैक करना है और इसको जो है मुझे जो है इस तरह का जो येलो कलर है, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे ब्लैक पे चलता हूँ, या फिर इसको येलो करते हैं उसको अपन ब्लैक कर लेंगे। तो येलो करना है तो डेफिनेटली वही सेम मुझे यहाँ का जो फॉन्ट का जो हमने डाला है वही मुझे कोड लेना पड़ेगा, तो मैं ये कोड ले लेता हूँ, यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, और कॉपी करने के बाद यहाँ पे वापस आते हैं और यहाँ पे चलते हैं कलर में पेस्ट कर लेते हैं। एंड यू कैन सी आपका जो बटन है वो यहाँ पे अपडेट हो गया। दूसरे वाले को ब्लैक करना तो इसको भी ब्लैक कर लेते हैं, और ये हम ब्लैक करने के लिए तो सिंपल 3-0 लगा दो और ये आपका ब्लैक हो जाएगा। अगर आपको कोई डिफरेंट कलर चाहिए तो आप डिफरेंट कलर में चाहिए, मैं थीम जो है वो एक ही तरह की रखना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इसको इसी तरीके से रखा। सेव कर देते हैं इसको एक बार, एंड यू कैन सी अब आपका जो है और अच्छी जो है ये वेबसाइट का जो सेक्शन है वो और अच्छा लगने लग गया। अब आप चाहते हैं कि ये दोनों के बीच में स्पेस कम हो तो ये आपको जो है मैं डेफिनेटली अगली वीडियो के अंदर बताऊंगा, कवरअप करूंगा, लेकिन मैं आपसे पहले जो है एक रिक्वेस्ट करूंगा। अभी काफी हमने यहाँ पे एक थोड़ा सा सेक्शन क्रिएट करके देखा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसको थोड़ा सा खुद दिमाग लगा के एक बार जो है देखें कि इसको कैसे पास में लाया जा सकता है। करना कुछ नहीं है, बहुत बड़ा सिंपल है, यहीं पे कुछ आपको रॉकेट काम करना है और ये हो जाएगा, राइट। आप चाहें तो लिंक विंक यहाँ पे डाल सकते हैं। अभी देखो यहाँ पे जो फॉन्ट, ये जो टेक्स्ट है, ये सॉरी बटन है, ये आपके सिंपल है। मैं क्या चाहता हूं कि इनके ऊपर जब होवर करें तो कुछ चेंजेस हों, राइट। चेंजेस क्या होने चाहिए वो आप डिसाइड करो। मैं यहाँ पे होवर करने पे येलो वाला जो है होवर करे तो ये ब्लैक हो जाना चाहिए, और जो ब्लैक वाला है उस पर होवर करे तो वो येलो हो जाना चाहिए। मुझे थीम मेंटेन करके रखनी है, तो मैं क्या करूंगा सेम सिमिलर एक इस पे जो जाता हूं। पहले तो इस पे आप देखेंगे नीचे साइड पे आपको एक बटन का जहां पे हमने कलर चेंज किया, एक नॉर्मल है और दूसरा है होवर। तो मैं होवर पे जाता हूं, राइट। होवर पे जाके जो है इस पे देखता हूं कि लेट्स सी कि मुझे कौन सा अच्छा लग रहा है। तो यहां पे मैं जैसे होवर पे जाता हूं इसका बैकग्राउंड कलर कैसा हो जाना चाहिए, ब्लैक हो जाना चाहिए, तो मैं यहां पे इसको ब्लैक कर देता हूं 1-2-3। और उसके बाद जो है आप चाहें तो इसमें कुछ और एनिमेशन टाइप देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। यहाँ पे होवर एनिमेशन अभी कुछ नहीं है, लेकिन होवर एनिमेशन जो है अगर आप देना चाहते हैं तो यहाँ से दे सकते हैं। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल के लिए देके दिखा देता हूँ, लाइक ये श्रिंक हो जाए, राइट। तो यू कैन सी ये इस तरीके से श्रिंक हो सकता है। अगर और कोई एनिमेशन, यहाँ पे काफी सारे एनिमेशन हैं, ये देख सकते हैं, राइट। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो है इसमें जो भी आपको एनिमेशन देने दे सकते हैं, बट मुझे कोई भी एनिमेशन नहीं चाहिए है, तो मैं इसको जो है सिंपली ऐसा एक सिंपल रख देता हूं, या फिर जो है आप इसको नन पे भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने कोई ओवर नहीं डाला। होवर करेंगे तो इसका कलर जो है वो ब्लैक होगा, टेक्स्ट का कलर जो है ब्लैक होगा, तो डेफिनेटली व्हाइट तो व्हाइट ही रहेगा। एक बार इसको अपडेट करते हैं, राइट। और अपडेट करने के बाद में जो है एक बार इसको रिफ्रेश करते हैं, लेट्स सी, और होवर करते हैं। ओके, होवर की सेटिंग, होवर पे गए हम, होवर पे ओके, हमने यहाँ पे बॉर्डर कलर कर दिया, बैकग्राउंड कलर को तो चेंज ही नहीं किया, तो चलो बैकग्राउंड कलर को भी जो है हमने यहाँ पे चेंज कर देना है। तो यहां से हम कलर ले लेते हैं, इसमें ये कर दिया ब्लैक। अब एक बार देखते हैं तो यू कैन सी यहां पे आपका कलर चेंज होने लग गया। अपडेट करते हैं इसको, एंड अपडेट करने के बाद एक बार रिफ्रेश करते हैं, एंड यू कैन सी अब ये जो है आपका अच्छा लगने लग गया, राइट। तो ये आपका ब्लैक हो रहा है, तो ये आपका जो है येलो हो जाना चाहिए इसी तरीके से। इस पर क्लिक करते हैं तो इस पर जाके इसका बैकग्राउंड कलर पहले तो सेट करते हैं। सो बैकग्राउंड कलर जो है वो आपका येलो होना चाहिए, तो मुझे इसका येलो का कलर लेना पड़ेगा, कोड लेना पड़ेगा। तो ये मैं कोड ले लेता हूँ यहाँ से, इस पर क्लिक करा, और आपका बॉर्डर कलर भी चेंज करना है, और प्लस आपका जो कलर है वो भी चेंज करना है, राइट। तो मैं इसका सॉरी ग्रेडिंग में जाना है कलर में, और इसका कलर कर दिया एक सेकेंड। तो टेक्स्ट का कलर तो हमें यहाँ पे येलो हो जाए, अच्छा नॉर्मल में मैंने गलती से चेंज कर दिया, तो एक बार हम इसको वापस से ब्लैक कर देते हैं क्योंकि हमने होवर में काम करना था। तो यहाँ पे बॉर्डर कलर चेंज कर देते हैं येलो, और दूसरा बैकग्राउंड कलर जो है वो हम यहाँ पे येलो कर देते हैं। एंड यू कैन सी
ये आपका चेंज होने लग गया। अपडेट करते हैं इसको एंड अपडेट करके इसको देखते हैं। अभी ये थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, आप चाहें तो थोड़ा सा और ऊपर स्पेस चाहिए या ये जो टेक्स्ट है बहुत बड़ा लग रहा है, छोटा करना है इसको, तो आप यहां से इसको एडिट पे क्लिक करें और इसका जो टाइपोग्राफी है उसमें जाएं, इसका जो साइज है थोड़ा सा छोटा करके देखते हैं, लेट्स से ये अच्छा लगेगा आई थिंक। और इसका जो कलर है थोड़ा सा टेक्स्ट का डार्क कर देते हैं क्योंकि रीड करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उसमें, और इसको अपडेट कर देते हैं। और अब आप देखते हैं तो यू कैन सी अब ज्यादा अच्छा लग रहा है, राइट। आप इसको और नीचे स्पेस बटन्स को और नीचे लाना है तो यहां से आपके पास में ऑप्शन है कि ये जो आपका लिया सेक्शन इसको सेलेक्ट करें, एडवांस में जाएं, अब मार्जिन सेट कर दें टॉप की, तो टॉप मार्जिन इंक्रीज कर दें जैसी आपको चाहिए, 35 हो गई। इसको भी थोड़ा सी मार्जिन अपने को चाहिए तो लेट्स से इसकी भी मार्जिन अपन सेट कर लेते हैं, थोड़ी और बढ़ा देते हैं, ये अच्छा लगेगा। अपडेट कर देते हैं इसको एंड यू कैन सी ये आपका अपडेट हो गया, राइट। तो ये सेक्शन के लिए जो इस वीडियो के लिए अपन इतना करते हैं, ताकि आपको जो है ये भी एक अच्छा लुक एंड फील कैसे दिया हमने ये आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसमें पूरा और वन बाय वन करके और नए सेक्शंस ऐड करेंगे और उसको जो है अपने अकॉर्डिंग जो है कस्टमाइजेशंस वगैरह करते चले जाएंगे।